नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों फाइनली एग्रीकल्चर वाला फिर से आपके लिए लेके है BHU PET एग्ज़ाम 2020। और आज क्या अपडेट्स है दोस्तों, आज अपडेट है कि BHU के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं। अगर आपको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोस्तों, 24 to 31 अगस्त तक है जो आपकी जो BHU PET की डेट आई हुई है। सो अगर आपको एक ऑफिशियल नोटिस देखने तो BHU की वेबसाइट पर वो रिलीज हो चुका है। और इसी को कंसर्न करते हुए मैं अब आपके लेके आया हूँ सोल्व्ड 2019 BHU PET क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, एक ऑप्शन के साथ जो तीन ऑप्शन बाकी होते हैं उनको भी एक अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट। सो यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा जो कि आपको किधर कहीं भी आपको नहीं पा पाओगे, ठीक है। और दोस्तों इससे अगर आपको जानना है कि BHU PET एग्जाम प्रिपरेशन कैसे की जाती है, जो एक इनसाइड में जो इन्फॉर्मेशन है जो रिवील करते हैं, जो कि कट ऑफ है कितना है, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन जो आई बटन है राइट हैंड साइड को कॉर्नर पे, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है जो कि एक्सटेंशन से लिया गया है, वो है कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ड्यूरिंग भी कन्फ्लिक्ट। जो आपको कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कन्फर्मेशन डिसीजन नॉलेज रेडीनेस स्टेज। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये सब स्टेजेस किसकी हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, मैं इसको आईडी पर से लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। और उसमें होती हैं आपकी स्टेजेस KPDIC, ठीक है, KPDIC मीन्स नॉलेज परसुएशन डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंफर्मेशन। जो कंफर्मेशन है दोस्तों ये सबसे लास्ट आपकी प्रोसेस, जो आपकी क्या स्टेजेस हैं, ठीक है। और जो ये आईडी प्रोसेस और इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस दी थी, ये कई बार क्वेश्चन आते हैं भी जो कौन साइंटिस्ट थे या कौन सोशल वर्कर जो भी होगा कि कौन दिए, तो ये दिया है दोस्तों आपके रोजर्स ने, ROGERS। सो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस इज गिवन बाय रोजर्स, ठीक है। और जो KPDIC स्टेज है इनमें से कौन सी स्टेज पे आपको जो आपकी कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, तो दोस्तों वो है आपकी कन्फर्मेशन स्टेज। तो क्वेश्चन वन ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आपने जो क्या है आपके जो कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको उससे दूर रख लिया तो ऑलरेडी जो आपकी इनोवेशन है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर इनोवेशन डिसीजन के बारे में अगर बात करें, ठीक है, या किसी इनोवेशन की बात करें, उनसे एक क्वेश्चन आता है कि जो एक होता है एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन, क्या दोस्तों एट्रीब्यूट्स में जनरली क्वालिटीज ऑफ इनोवेशन क्या होती है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में होते हैं दोस्तों आपका रिलेटिव एडवांटेज होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, रिलेटिव एडवांटेज होता है, कंपैटिबिलिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है दोस्तों, आपकी ट्रायल एबिलिटी होता है कि आप इतना ट्रायल कर सकते हो नहीं छोटे मोटे फील्ड पे, ऑब्जर्वेबिलिटी होता है, उसके बाद होता है आपका प्रेडिक्टिबिलिटी मीन्स आप कितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ये सब होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था इतना ही था, और ऑप्शन का आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी कन्फर्मेशन स्टेज। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी आर द वन ऑफ द काइंड्स ऑफ। दोस्तों एक्सेप्टेंस और जो भी और रिजेक्शन ये क्या है, फेलियर है, एम्पैथेटिक फीलिंग है, फीडबैक है, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन। दोस्तों ये है फीडबैक, फीडबैक मीन्स अगर वो हमको अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि हमारे जो जो भी डिसीजन या इनोवेशन हम देना चाह रहे हैं वो अच्छी जा रही है और फीडबैक हमको अच्छा मिल रहा है, सो दे आर ए पार्ट ऑफ फीडबैक। सो ऑप्शन क्वेश्चन टू ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि दोस्तों एक डेफिनेशन का पूछा है कि फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू फीडबैक, फिडेलिटी, एम्पैथी एंड क्रेडिबिलिटी। तो दोस्तों इनको जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अलग अलग जो टर्म्स दी हैं, ठीक है। जो आपकी जैसे एम्पैथी क्या होती है दोस्तों, कि आप किसी की जो दूसरे की फीलिंग्स हो वो और जो इमोशंस हो कितना अच्छे समझ पा रहे हो, ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, जो क्रेडिबिलिटी होती है आपकी, इसलिए ट्रस्टवर्थीनेस होती है आपकी ट्रस्टवर्थी हो या कॉम्पिटेंस होती है, ठीक है। फीडबैक तो आपको पता ही है कि मैंने पीछे आपको बताया कि आप जो एक्सेप्ट किए तो अच्छे फीडबैक, आप रिजेक्ट किए तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है, ठीक है।
तो बचता है दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है फिडेलिटी। मीन्स फिडेलिटी मीन्स होता है कि जो आपका फेथफुल परफॉर्मेंस होता है, जैसे कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसके एलिमेंट होंगे आपके, सोर्स होगा, रिसीवर होगा, मैसेंजर होगा, जो भी होगा, उन वो अच्छे से अपनी जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, तब उसको बोलेंगे हम फिडेलिटी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिडेलिटी। सो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर में आते हैं दोस्तों, अगेन है आपका फीडबैक इज। फीडबैक क्या होता है? सोर्स ओरिएंटेड होगा, रिसीवर ओरिएंटेड होगा, मैसेज ओरिएंटेड होगा, चैनल ओरिएंटेड होगा। दोस्तों जनरली क्या होता है, जो फीडबैक होता है वो आपके जो सोर्स की तरफ जाता है कि आप जो सोर्स ओरिएंटेड होगा, क्योंकि अगर सोर्स ओरिएंटेड होगा तभी तो उसको पता लगेगा कि मेरी जो मैं जो अपना प्रोसेस दे रहा हूँ मैसेज में, वो आपका मेरा सही जा रहा है नहीं जा रहा है। सो फीडबैक इज सोर्स ओरिएंटेड। इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन फोर ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं दोस्तों कि मैनी टाइम्स, ये बहुत सिंपल है, मीन्स ये डेफिनेशन अगेन, मैनी टाइम्स इट मे हैपन एंड यूजर कंटिन्यू टू अडॉप्ट एन इनोवेशन रैदर विगरेसली व्हेन एक्सपर्ट फील्स दैट इट शुड नॉट सो बी सो डन द फिनोमेना इज नोन एज। मीन्स जब एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसको एक्सेप्ट मत करो, बट उस समय ना विग्रेसली अडॉप्ट हो जाती है आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों ओवर अडॉप्शन। ओवर अडॉप्शन क्या होता है कि जब आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता है फिर भी आप उसको बार बार यूज किया जाता है और विग्रेसली यूज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं ओवर अडॉप्शन। ठीक है, और बाकी तो अंडर अडॉप्शन मीन्स कम कर रहे हो, बाकी अडॉप्शन टेक्नोलॉजी, रिजेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो सब लाइक आपको वर्ड से ही पता लग रहा है। ठीक है, सो और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, इतने कंसेप्ट का। सो ओवर अडॉप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन दोस्तों क्वेश्चन सिक्स है आपका, विच वन इज नॉट द की बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मीन्स आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसमें आपका जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा नहीं है? परसीव एन अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी टू इनोवेट एंड बिल्ड और समथिंग मार्केट वैल्यू, या एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, डिपेंडेंसी ऑन पीयर्स फॉर इनपुट्स। दोस्तों जो डिपेंडेंसी ऑफ पीयर ऑन फॉर इनपुट्स है वो तो है ही नहीं, वो उस पर जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं वो अपना बनाते हैं और खुद ही खाता, मीन्स खुद ही खाएगा, खुद ही बनाएगा, मीन्स अच्छा खासा अपने जो भी होगा प्रॉफिट गेन करेगा। सो फर्स्ट थ्री जो भी हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके एंटरप्रेन्योर के, और जो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज अ नॉट द की बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योर। देन आता है दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन सेवन है कि द कैपिटल डेट इंक्लूड स्टाफ। स्टाफ की जो होती है दोस्तों पार्टनर स्किल्स, नॉलेज, जो एक्सपीरियंस होता है, ये किस में आता है आपका? सोशल में, इंस्टीट्यूशनल में, ह्यूमन में, नेचुरल में। दोस्तों ये होते हैं आपका ह्यूमन कैपिटल। मीन्स आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कैपिटल हो या जो भी नॉलेज होगी वो आपके आते हैं ह्यूमन कैपिटल में। बाकी सोशल कैपिटल, इंस्टीट्यूशन कैपिटल, ये इसमें लैंड, इंस्टीट्यूशन माने तो आपके लैंड, लेबर, जो मीन्स लैंड वगैरह होगी, बिल्डिंग्स वगैरह होगी, ये सब इंस्टीट्यूशन कैपिटल में आ जाता है। सोशल कैपिटल मीन्स आपके अलावा जो सोसाइटी भी यूज़ कर रही है, जैसे पार्क वगैरह हो गए, ये सब हो गए, ये सोशल कैपिटल है। नेचुरल कैपिटल में जो आपको नेचर से मिला हुआ है, आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल कैपिटल टाइप पे आपका एक्ट करेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन सेवन ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। देन प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन एट, ग्रेप वाइन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों इन्होंने पूछा है ग्रेप वाइन किस काइंड की कम्युनिकेशन है? फॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनफॉर्मल। दोस्तों जो ग्रेप वाइन है वो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल होती है। मीन्स आपकी जो ग्रेप वाइन है वो एक इनफॉर्मल होती है। जो दोस्तों आप सुनते हो ना भी, आप गॉसिप वगैरह, ठीक है, गॉसिप्स वगैरह सुनते हो आप, ये सब किसके किसके पार्ट होते हैं? ये आपके ग्रेप वाइन के पार्ट होते हैं। सो ग्रेप वाइन इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बाय विच यू नो, यू विल गेट टू नो द अबाउट द पीपल्स विदाउट एनी फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, सो इट इज़ एन इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं आपके लिए स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, इसलिए आप मैंने इसलिए स्टार मार्क कर दिया। फिर आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नाइन। क्वेश्चन नाइन बोलते हैं कि ऑल सोसाइटीज हैव एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ बिहेवियर, दैट इज सोशल नॉर्म्स, कल्चर नॉर्म, फाइनेंशियल नॉर्म, लीगल नॉर्म। दोस्तों वो होते हैं आपके सोशल नॉर्म्स कि आपको कैसे काम करना है, ये हुआ, ये ऐसे करोगे तो गलत है, ऐसा
ऐसा करोगे तो सही है मिस, कि आप जैसे एक कहीं जैसे हिंदू में तक कि आपने एक शादी की तो अच्छा है, दो शादी तीन शादी करोगे तो ये बहुत गलत माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं सोशल नॉर्म्स। और बाकी दोस्तों आपके जो कल्चर नॉर्म्स होते हैं ये होते हैं कि जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशन होती हैं, कि जैसे जो हम स्टैंडर्ड्स जिसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड लिव करते हैं ना भाई, आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं मिस, आपकी आपके जो विचार होते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, वो सब आते हैं आपके कल्चर नॉर्म्स में। और बाकी जो ये एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स होती है वो आते हैं आपका सोशल नॉर्म्स में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हुआ आपका, आपके जो क्वेश्चन 9 तक होगा आपका एक्सटेंशन का हो गया। दोस्तों क्वेश्चन 10 है कि फार्मर सोसाइटीज आर फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, वर्चुअल ग्रुप, अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको इन जनरल आपको देना पड़ेगा, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आप जनरली आप देखते होंगे कि जो फार्मर सोसाइटीज़ होती हैं वो फॉर्मल भी होती हैं, इनफॉर्मल भी होती हैं, बट इन जनरल आपकी जो फार्मर सोसाइटीज़ होती हैं वो इनफॉर्मल ही बनाई जाएंगी। और बाकी जैसे फॉर्मल सोसाइटी में आगे जैसे मान के चलें तो आप उसमें क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि कोऑपरेटिव वगैरह हो गए, कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, वो भी आपके रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके फॉर्मल ग्रुप में। इनफॉर्मल ग्रुप में आपके आ गए इन जनरल में आपके आ गए फार्मर सोसाइटीज। सो क्वेश्चन 10 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन 11, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात की कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज द ऑफ द फर्म बिलीव दैट इफ वी डेवलप डैश इट इज गोइंग टू बी पेनिकिया फॉर द रूरल प्रोग्राम। सो इट सो उन्होंने बोला कि विलेज कोऑपरेटिव को आप डेवलप कर दो तो ये रूरल प्रोग्राम के लिए पनेकिया हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट डायरेक्ट टर्म पूछी गई है और डायरेक्ट स्टेटमेंट बोली गई, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। सो दोस्तों ठीक है, सो क्वेश्चन 11 ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, डैट इज विलेज कोऑपरेटिव। फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहे हैं, कॉलोनल शीटोल एस्टेब्लिश्ड एन एक्सटेंशन सर्विस इनिशिएटिव एंड टाइटल डैश एट पोहरी ग्वालियर मध्य प्रदेश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ द विलेजर। इन्होंने बोला कि जो कॉलोनल शीटोल ने एक ऐसा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिसके ऑब्जेक्टिव था कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज करना है। वो कौन सा दोस्तों, दोस्तों वो आपका जो कॉलोनल शीटोल ने आपका इस्टेब्लिश किया था वो दोस्तों आपका आदर्श सेवा संघ। ये तो हो गया आपका ऑप्शन जो राइट आंसर है। उसके अलावा जो आपके पास 3 ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। इंडियन विलेज सर्विस के बारे में अगर बात करें, इनका जिनमें आपको प्रोपोनेंट पूछ जाते हैं दोस्तों, एक है आपका इसमें आएगा ए टी मोशर और एक आता है बी एन गुप्ता। मोशर एंड गुप्ता इन इंजन में अगर शॉर्ट में बोलूँ तो वो है आपका इंडियन विलेज सर्विस से रिलेटेड होते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी होते हैं आपका गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड है। सेवाग्राम होते हैं दोस्तों जो आपका गांधी जी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बात करें और इंपॉर्टेंट क्या बनता है, नीलोगिरी प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा आपका बनता है कि एक है आपका इटावा प्रोजेक्ट, राइट, इटावा ETEWA इटावा प्रोजेक्ट है, वो किसने स्टार्ट किया, वो दोस्तों अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया। दोस्तों ये जो स्पेसिफिक नाम है ये आप जरूर ध्यान रखें, कोई कोई इंपॉर्टेंट बन जाता है, MAYER अल्बर्ट मेयर, ठीक है। ये इसका जो पूरा सार था इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 13 है कि द ओरिजिन, यहाँ से अब आपका सोयल साइंस स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि द ओरिजिन ऑफ सोइल इज क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन आर स्टडी, मीन्स आपका जो ओरिजिन ऑफ सोइल है इसका जो क्लासिफिकेशन है और डिस्क्रिप्शन है वो कौन सी फील्ड में, मीन्स कौन सी ब्रांच है वो स्टडी करती है, पीडियोलॉजी, एडेफोलॉजी, जियोलॉजी, पैथोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी तो आपकी होती है आपकी रॉक्स की स्टडी, ठीक है। जियोलॉजी आपकी जो अर्थ की स्टडी होती है, एडेफोलॉजी और पीडियोलॉजी बचते हैं। ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए सोइल साइंस में। यहाँ पर मैं स्टारक मार्क बना देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो पेडोलॉजी है उसमें है दोस्तों आपके जो ओरिजिन ऑफ जो सोइल है उसको क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन किस में स्टडी करते हैं आपका पेडोलॉजी में, ठीक है। और इसी के साथ अगर बात करूँ इडेफोलॉजी की बात करूँ तो उसमें दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू योर क्रॉप ग्रोथ, जो आपकी सोइल स्टडी है वो आपकी क्रॉप ग्रोथ के हिसाब से स्टडी की जाती है, दैट इज इन इडेफोलॉजी। बाकी आप क्वेश्चन 13 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, दैट इज द पेडोलॉजी, ठीक है। और क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंडरी मिनरल, क्वार्ट्स, जिप्सम, फेल्डस्पार, बायोटाइट। दोस्तों इसका मैं सीधा से आंसर बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायोटाइट। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनते हैं सेकेंडरी मिनरल्स में से वो क्या है कि इनमें दोस्तों पूछ जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकेंडरी मिनरल्स कौन कौन से, इनके एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं जैसे कैलोनाइट होते हैं, कैलोनाइट हो गया, ठीक है। फिर आपका आ गया मोंट मोरिलोनाइट, शॉर्ट में मोंट मोरिलो
फिर ठीक है मोट मोरिलो नाइट हो गया, ये भी आपका एक आपका स्पेसिफिक आपका सेकेंडरी मिनरल हो गया। फिर आपका बचता है दोस्तों कैलोनाइट, मोट मोरिलोनाइट हो गया, और फिर आपका आता है एक बायोटाइट हो गया, फिर एक और आता है इसमें क्लोराइट। और सबसे इसमें जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अबाउट इसके रेशियो के बारे में होता है कि आपके जो 1:1 में से आपके जो सिलिक और एल्यूमिनियम का इसमें क्या रेशियो है। दोस्तों 1:1 रेशियो है आपका कैलोनाइट का, जो कि आप देखते हो कैलोनाइट है आपका, डिकाइट है, हेलियोसाइट है, ये सब आते हैं आपका 1:1 में, ठीक है। मोट मोरिलोनाइट है, एक होता है वर्मिकुलाइट है, एक मोट मोरिलोनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट, ये सब आते हैं आपका 2:1 में, ठीक है दोस्तों। मोट मोरिलोनाइट बोल रहा हूँ, वर्मिकुलाइट बोल रहा हूँ, इलाइट बोल रहा हूँ, ये सब आपका आता है 2:1 में। फिर आपका आते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है दोस्तों, क्लोराइट है आपका 2:1:1। आप बोलोगे 2:1:1 क्या है ये 2:1:1:1, दोस्तों 1 है आपका सिलिका, 1 है आपका ये एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम के रेशियो, एल्यूमिनियम के रेशियो जो लेयर्स में होता है। और इसमें आपका जो क्लोराइट है इसमें जो एक एक्स्ट्रा जो लेयर ऐड हुई है ये लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम ब्रूसाइट, ठीक है। जो क्लोराइट में जो लेयर होती है उसको तो बोलते हैं हम ब्रूसाइट। ये सब होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। इसके अलावा जो आपके पास क्वार्ट्ज, जिप्सम और जो फेल्डस्पार हैं ये सब आते हैं आपके प्राइमरी मिनरल्स में। और प्राइमरी मिनरल्स में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा एक मिनरल सबसे ज़्यादा धरती में कौन सा पाया जाता है, वो है दोस्तों फेल्डस्पार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आपका आ जाता है क्वार्ट्ज, फिर आपका आ जाता है माइका, फिर आपका आ जाता है लाइमस्टोन, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए जो फेल्डस्पार होता है ये सबसे धरती में सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्राइमरी मिनरल है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन का ये सार था आपके पास, और क्वेश्चन 15 की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। और यह क्वेश्चन है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। दोस्तों माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो बेनिफिशियल, COVNIS लाइक सभी, ठीक है ठीक है। सो ये बेनिफिशियल एलिमेंट, ये सब आप ध्यान रखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्कुल बेस में ये। और ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाले आप ICAR में चले जाओ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ, इसी टाइप के आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, जिंक, सल्फर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आपको आंसर बता देता हूँ, थर्ड इज द राइट आंसर, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों, जनरली 8 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं, वो भी आपको मैं एनलिस्ट कर देता हूँ। जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, बोरोन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकल है, ये सब है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसके अलावा और दोस्तों अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो CHO, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये तो आपको बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, CHO मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद है NPK, ये भी आपको पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। फिर आता है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है दोस्तों। ये सब आता है आपका, जो कि आपका आता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। कितने आ गए, 3, 3, 6 और 3, 9, मीन्स आउट ऑफ 17 9 आर द मैक्रो, 8 आर द योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये सार था। और क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है आप दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द सोइल टैक्सोनॉमी इज। तो दोस्तों ने बोला कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कौन से कितने होते हैं। दोस्तों जो है 12 ऑर्डर होते हैं, जो कि आपके सोइल टैक्सोनॉमी में देखने को मिलते हैं। और इनमें जो स्पेसिफिक ऑर्डर है जहाँ से क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो आपको बता देता हूँ। एंटी सोल्स, इसमें दोस्तों जनरली आते हैं आपके जो यंग सोल्स होते हैं, लाइक के एलुवियल्स, ALLUVIA, याद रखिए जो मैं लिख रहा हूँ। अपने जब आपके पास अगर कॉपी है उसको नोट करते जाइए, आपको इजी रिवाइज करने में भी होगा और इजी आपको कंसेप्ट ग्रैब भी हो जाएगा। तो एंटी सोल्स हैं आपके पास हैं जो है एलुवियल सोल्स हैं, वर्टी सोल्स हैं आपके पास हैं वो आपके पास आते हैं आपके इसमें आते हैं ब्लैक सोल्स, ठीक है। फिर आते हैं एलुवियल, ब्लैक और एक और इंपॉर्टेंट जो है आपका बोलते हैं एल्फी सोल्स होते हैं, इसमें आते हैं आपका रेड सोइल्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ये है। इसके अलावा अगर कभी कभार अगर पूछ लिया जाए कि ऑर्गेनिक सोइल और ऑर्गेनिक सोइल किस में आएंगी, तो वो आते हैं आपके हिस्टोसोल्स में आती हैं, ठीक है, लैटराइट सोइल्स। और ये थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे एनलिस्ट करा दी है, ठीक है। और इसके साथ क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17 में बेसिक डेफिनेशन की
रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, मीन्स उन्होंने पूछा कि आप रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन द सोइल इज कॉल्ड। दोस्तों डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें कोई वो तो है नहीं, तो सोइल टेक्सचर इज नोन एज द रिलेटिव प्रोपोर्शन। वट अबाउट द सोइल स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर होता है कि आपका जो अरेंजमेंट टेक्सचर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका अरेंजमेंट होता है ना जो सोइल पार्टिकल्स का, वो कैसा है, इसमें आपको क्यूबोइडल है, स्फेरोइडल है, मीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। और सबसे बेस्ट होता है कि एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर जो सोइल्स हैं उसका एक दोस्तों एक क्वेश्चन था कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका सोइल स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट सोइल स्ट्रक्चर है कि क्रम्स, एक बार ये कंफर्म कर लीजिए, मेरे थोड़ा डाउट है। बाकी मैक्सिमम इन माय नॉलेज क्रम्स इज द बेस्ट और सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। बाकी सोइल स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया डेफिनेशन, सोइल प्रोफाइल एंड सोइल होरिजन यू नो वेरी वेल। और सोइल प्रोफाइल और सोइल होरिजन कौन कौन से दोस्तों, ओ ए ई बी सी, ये सब हैं आपके सोइल होरिजन्स होते हैं दोस्तों। ये है ओ वाला होता है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर का होता है, ए होता है ये एलुवियल होता है, बी होता है ये आपका एलुवियल होता है, ठीक है, और सी होता है ये आपको होता है कंसोलिडेटेड मैटर्स, ठीक है। जो आपके नीचे का डाउन साइड जो रॉक्स होती हैं वो सी ओरिजिन में होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 17। फिर अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में आपको बताया कि सोइल कलर इज मेजर्ड बाय मुंसेल सोइल कलर चार्ट, टेंशियोमीटर, क्रोम। बाकी तो दोस्तों आपको नाम से पता है, टेंशियो मीन आपको टेंशियोमीटर से आपकी टेंशन वगैरह मापते हो, ठीक है, सोइल की जो होती है, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी से कलर वगैरह लिटमेटरी पर यू नो वेरी वेल। ऑल अदर जो ऑप्शन है वो इजिली एक्सप्लेनेबल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बाकी ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। इसमें भी अगर दोस्तों अगर थोड़ा डीप इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें होते हैं थ्री वेरिएबल्स, एक होता है ह्यू, एक होता है वैल्यू और एक होता है दोस्तों क्रोमा, CHROMA। ह्यू में आता दोस्तों आपका होता है जो आपका डोमिनेंट वेवलेंथ होती है ना, डोमिनेंट आपका मींस कौन सी वेवलेंथ आपकी डोमिनेंट, DOMIN डोमिनेंट समझ जाइएगा, और लैम्डा आ गया तो इसका डोमिनेंट वेवलेंथ कौन सी है वो आपका है ह्यू में आएगा। फिर आपका आता है दोस्तों वैल्यू, फिर वैल्यू में आता है आपकी रिलेटिव लाइटनेस आर एलिगेटों कि कितना लाइट है कितना डार्क है वो आपको वैल्यूज में आते हैं। और क्रोमा में आपका आता है प्योरिटी, क्रोमा मीन्स कलर, मीन्स आपका कितना कलर कितना प्योर है, ब्लैक ज़्यादा है या प्योर प्योर ही ब्लैक है या दोनों का मिक्सचर है वो आपका आता है क्रोमा में। वैल्यू में आता है रिलेटिव लाइटनेस कि डार्क है थोड़ा लाइट है। ह्यू में आपका आता है आपका डोमिनेंट वेवलेंथ, इस ये आता है आपका मुंसेल कलर चार्ट से, जो अपनी जो क्वेश्चन है वो इसी से आएंगे, ठीक है। फिर अभी आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 19 की तरफ मैंने आपको बताया था 1:1 टाइप की बात की है, तो 1:1 टाइप जो क्ले मिनरल्स होते हैं ये आते हैं आपके जो सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर काउंट होते हैं, और 1:1 होते हैं आपके सिलिका और एल्यूमिनियम के लिए होती है। तो 1:1 में जो भी आपका आएगा वो है आपका कैलोनाइट आ गया, आपका आ गया क्या होगा कैलोनाइट आ गया, ये आपका आ गया 1:1 में आ गया। और दोस्तों इसके अलावा अगर इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई नॉन एक्सपेंडिंग कौन से है और एक्सपेंडिंग कौन से। दोस्तों जो आपका नॉन एक्सपेंडिंग है वो आपका कैलोनाइट है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछने जाते हैं कि भाई वर्मिकुलाइट मोंटमोरलाइट जो मैंने आपको पीछे बता दिया, और इसी से हिसाब से जो क्ले मिनरल्स में एक आपका आता है यू नो आपका जो ह्यूमस भी है वो भी एक क्ले मिनरल्स है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आपका जो ह्यूमस भी है वो एक क्ले मिनरल्स हैं, ठीक है। और जो क्ले मिनरल्स में जो ह्यूमस होती है उसके एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में रहते हैं कि किस क्ले मिनरल का हाईएस्ट CEC होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। सो हाईएस्ट CEC यू कैन सी इन द ह्यूमस, स्पेसिफिक क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बाकी होता है दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आता है कि जो हाईएस्ट जो पोटेशियम जो फिक्स होती है, सॉरी पोटेशियम हाईएस्ट जो फॉस्फोरस जो फिक्सेशन होती है वो कौन करते हैं, वो करते हैं आपका मोंटमोरलाइट, जिसकी आपकी जो रेशियो होती है वो 2:1 होती है। यहाँ से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए। और जो क्वेश्चन 1:1 टाइप है वो है आपका कैलोनाइट, ठीक है। और इसके अलावा अगर कैलोनाइट के अलावा पूछे तो डिकाइट है, DICKITE डिकाइट है, हेलोसेनाइट है, मैनी आर देयर, ठीक है, बट कैलोनाइट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 20 क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ के साथ आपको मेरे को लग रहा है यहाँ से आपका पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो गया। और यहाँ से आता है कि माइक्रोराइजा कहते हैं दोस्तों सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, राइट। सो माइक्रोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज बिट सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ, प्लांट के साथ होता है, प्लांट के साथ, तो कौन करता है दोस्तों माइक्रोराइजा में होता है कि आपका जो है विट फंगस,
ठीक है। फंजाई का जो एसोसिएशन होता है वो है माइकोराइजा। और इसके अलावा दोस्तों एक स्पेसिफिक कई बार पूछा जाता है कि जो लाइचेंस लाइकन्स होते हैं, जो लाइचेंस बोल रहा हूँ, जो लाइचेंस होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों आपका एल्गी ए एफ एल्गी लिख देता हूँ और फंगस, ठीक है। एल ए एफ मीन्स लगभग जो लाइचेंस है उसमें आपका एल्गी और जो फंगस है उसका आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा। माइक्रोराइजा साइंटिफिक जो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक होता है वो फंगी और प्लांट रूट्स के बीच में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से इतना खत्म हो गया आपका जो है आपका क्वेश्चन 20। फिर आपका क्वेश्चन 21 है, ओह अभी आपको सोशल साइंस ही स्टार्ट लगता है मेरे को। क्वेश्चन 21 है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फॉर्मिंग फैक्टर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि देयर आर फोर और फाइव आई थिंक क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म पेरेंट मटेरियल टाइम एंड रिलीफ मीन्स फाइव फाइव जो हैं आपके पास सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं। इसमें से आपका पैसिव और एक्टिव कौन सा है दोस्तों? जो एक्टिव होगा वो मीन्स थोड़ा एक्टिविटी दिखाएगा, और जो इसमें से एक्टिव कौन सा लग रहा है क्लाइमेट टाइम रिलीफ पेरेंट मटेरियल, आपको इसमें लग रहा होगा जो क्लाइमेट है वो चेंज है। तो एक्टिव जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर है वो ये है, टाइम रिलीफ और पेरेंट मटेरियल ये सब जो है आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपका पैसिव है। और जो एक्टिव है वो है आपका क्लाइमेट, और क्लाइमेट के अलावा दोस्तों एक और जो होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके सोयल के अंदर होते हैं वो भी एक एक्टिव सोयल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं। और इन जनरल अगर आपको बोलूं वैसे टाइम होते हैं दोस्तों ये होते हैं न्यूट्रल फैक्टर होते हैं इन जनरल, ठीक है। सो ये होते हैं आपका सोयल फॉर्मिंग फैक्टर। फिर क्वेश्चन 22 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज कॉल्ड व्हाइट एल्कली सोइल्स। व्हाइट एल्कली सोइल्स किसको बोला जाते हैं दोस्तों? जो आपकी जो सेलाइन सोइल्स हैं या सोलोन जो कि सेलाइन सोइल हैं इसको व्हाइट एल्कली सोइल बोला जाता है। और इसको दोस्तों हम कभी कभी बोल जाते हैं आपकी कभी आपको ऑप्शन में आपको दिखे एस ओ एल ओ एन सोलन चाक सी एच ए एल के सोलन चाक जो आपका जो सोयल का नाम होता है वो भी इसका नाम बोला जाता है, ठीक है। इसको मेजर किसके थ्रू करते हैं? जो आपका सैलिनिटी और ये सब मेजर करते हैं आपकी आपके जो होते हैं ई सी होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होते हैं और ई एस पी मीन्स एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। ई सी एंड ई एस पी अगर आपका मेजर करें इस सबसे आपका सैलिनिटी पता जाता है। और इन जो आपका जो सेलाइन सोइल्स हैं इसकी जो आपका कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इसकी जो कि इलेक्ट्रॉन जो कैपेसिटी है जो एक्सचेंज कैपेसिटी वो कितनी होती है? इसके होते हैं दोस्तों मोर देन फोर और इक्वल्स टू मीन्स मोर देन फोर होती है आपकी ई सी होती है इसमें। फिर दोस्तों सेलेन सोइल्स की बात तो गई दोस्तों, सो सेलेन सोइल्स में सबसे ज़्यादा आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या देखने को होती है दोस्तों? सेलेन सोइल में आपको होती है बोरोन टॉक्सिसिटी होती है, बोरोन टॉक्सिसिटी होती है, ध्यान रखिए बोरोन टॉक्सिसिटी। यू आर मच मोर फैमिलियर इन द सेलाइन सोइल। और इसको ट्रीट कैसे करते हैं दोस्तों? इसको करते हैं हम लीचिंग। लीचिंग जो कि जो सोल्यूबल साल्ट हैं वो नीचे चले जाते हैं जो हम जो भी तो उससे क्या होता है जो पर जो साल्ट है जो फिर जो वाइट जो लेयर बनी होती है वो कम हो जाती है। सो लीचिंग इज द बेस्ट मेथड टू ट्रीट योर सेलाइन सोइल्स। और दोस्तों अगर रिक्लेमेशन की बात करें दोस्तों तो जबकि एक होती है सोडिक सोइल होती है, ठीक है। सोडिक सोइल के अगर रिक्लेमेशन करना होता है तो आप आते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम होती है दोस्तों ये होती है आपकी सोडिक सोइल की आपकी जो रिक्लेमेशन के होते हैं। और एक होता है रिक्लेमेशन मटेरियल होता है लाइम। लाइम किस में यूज होता है दोस्तों? लाइम होता है आपका एसिडिक मटेरियल में यूज, एसिडिक जो सोइल होते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका एल्कली एल्कलाइन सोइल, ठीक है। ए एल के एल आई यानी एल्कलाइन सोइल्स दोस्तों। जो एल्कलाइन सोइल्स हैं इसकी जो ई सी होती है वो लेस देन फोर होती है, बट जो ई एस मीन्स एक्सचेंजेबल जो सोडियम परसेंटेज है वो आपकी मोर देन 15 होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें कि इसमें जो एल्कलीन जो सोइल्स हैं, ठीक है, एल्केलीन जो सोइल्स हैं उसमें जो टॉक्सिसिटी वो किस किस की होती है? इसमें दोस्तों बोरोन सोडियम और मोलिब्डेनम की जो आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। और एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है जो एल्कलीन सोइल से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि एल्कलीन सोइल से या प्रॉब्लम नहीं है एल्कलीन सोइल है ऐसा कुछ हो रखा है इसमें हम यूरिया डालेंगे या डीएपी डालेंगे या क्या डालेंगे? दोस्तों इसमें यूरिया यूज़ नहीं करते हम, जो एल्कलीन सोइल है उसमें हम कैन और डीएपी जो फर्टिलाइज़र हैं वो जो नाइट्रोजन या पोटेशियम जो फॉस्फोर जो फर्टिलाइज़र हैं वो यूज़ करेंगे। एल्कलीन में जो सोल्स में यूरिया यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब जो सार था जो क्वेश्चन 22 के लिए था, ठीक है। और वाइट एल्कली सोइल के बारे में बात करें तो सेलाइन सोइल इज द वाइट एल्कली सोइल, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 बोलता है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ
इज कोल्ड। दोस्तों ने बोला कि प्लांट ग्रोथ के हिसाब से फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल क्या होती है। दोस्तों प्लांट ग्रोथ के हिसाब से आपको बोलते हैं टिल्ट। टिल्ट इज नोन एज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज कोल्ड टिल्ट। ठीक है, और उसके बाद टीलेज होता है कि आपको जो डिस्टर्ब करते हैं आप जो सॉइल्स को, ठीक है, प्री प्रिपरेशन या जो भी आफ्टर प्रिपरेशन आफ्टर सोइंग, ठीक है, वो सब टीलेज है। मल्चिंग, यू नो मल्चिंग कभी कभी आपको पूछ जाती है कि मल्चिंग के जो फैक्टर्स या जो आपके प्रोसीजर्स हैं, सॉरी क्या इसके सॉरी मल्चिंग का जो है वो प्रोसेस से क्या होता है। इसकी वजह से दोस्तों वीड कम होते हैं, इसकी वजह से आपका मॉइस्चर सेव होता है, मैनी मचार दें, ठीक है, इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर टेरेसिंग होता है जो आपको जो स्लोपी एरियाज होते हैं, हिली एरिया होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड होते हैं, ये आपको टेरेसिंग या आपका सोइल कंजर्वेशन में काम आते हैं। बाकी आपका जो टिल्ट है वो है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल इन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन 24 है दोस्तों, वही बात आ गई। जिप्सम इज यूज एज अमेंडेड टू रिक्लेम। दोस्तों अभी बोला था कि मैंने जस्ट बोला आपको जो सोडिक सोइल्स हैं उसको रिक्लेम करने को आपको क्या लगता है, उसको लगता है आपको जिप्सम लगता है। ठीक है, जो एसिड सोइल्स हैं वो लाइम सोइल लाइम से होगा। ठीक है, जो सेलाइन सोइल है वो लीचिंग से होगा। ठीक है, ये सब आपका है। और इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन 25 है दोस्तों आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ थोड़ा इकोनॉमिक्स। देन द टर्म इश्यू प्राइस मींस, जो आपका टर्म इश्यू प्राइस क्या होता है दोस्तों। इश्यू प्राइस होता है जो आपको मिल रहा होता है ना, जो आपके पीडीएस शॉप्स में मिल रहा होता है, ये जो जो प्राइस होता है इसको बोलते हैं हम इश्यू प्राइस। सो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर फॉर इश्यू प्राइस। मीन्स आपका जो FCI जो प्रोवाइड करती है जो PDS को, वो जो प्राइस जब प्राइस एट विच FCI इश्यू फूड ग्रेन टू द PDS इज नोन इन द इश्यू प्राइस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें और तो कोई एक्सप्लेन करने के लायक भी नहीं है, मीन्स कोई ऐसा कुछ है ही नहीं है ऑप्शन। तो और क्वेश्चन 26 है दोस्तों, द लोन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, चैटल टकैवी टर्म लोन सेल्फ रिटेन। दोस्तों आपको पता होना जो ब्रिटिश के दौरान जो लोन दिए गए थे वो बोलते हैं उनको टकैवी लोन बोलते हैं। इनको बोलते हैं जब डिजास्टर वगैरह आता था तो जो कृषि को लोन दिए जाते थे उनको बोलते हैं टकैवी लोन। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो चैटल्स लोन होते हैं ये कहाँ से होते हैं, जो दोस्तों आपके जो पॉन ब्रोकर्स होते हैं ना वहाँ से ये चैटल्स लोन वगैरह होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। टर्म लोन होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन होते हैं दोस्तों जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे कि आपका जो क्रॉप लोन, ठीक है, जो आप लमसम में आप पे करते हैं वो आपके सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन होते हैं। बाकी जो टकैवी लोन होते हैं ये आपके जो ब्रिटिश एरा के दौरान जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी आपको जो डिजास्टर आने के बाद जो प्रोवाइड करती थी उसको बोलते हैं हम टकैवी लोन। ठीक है, फिर दोस्तों क्वेश्चन 27 की बात करें, देन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर ऑफ द क्रेडिट। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट आर ऑफ द क्रेडिट क्या है, रिस्क बेयरिंग, रिपेमेंट कैपेसिटी, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों इसकी सीधी सी बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब लोन दे रहे हैं तो उससे रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, आपको जब लोन दे रहे हैं तो वो आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए ताकि आपको रिटर्न मिल सके। फिर उसी से आप क्या करोगे, हमारा आपका क्या करोगे, रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करोगे, फिर उसी से हमारा रिस्क बियरिंग एबिलिटी होगा कि हम कितना हम रिस्क बियर कर पा रहे हैं। ठीक है, सो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, फिर रीपेमेंट कैपेसिटी एंड एट लास्ट रिस्क बियरिंग एबिलिटीज, ये सब होते हैं 3 आर्स में होते हैं। इसके अलावा होते हैं दोस्तों आपके पास होते हैं 7P ऑफ क्रेडिट, उसमें आते हैं 7P में आते हैं आपका प्रोडक्टिव पर्पस, पर्सनैलिटी, प्रोडक्टिविटी, फेस डिसबर्समेंट होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, रीपेमेंट होता है, प्रोटीन प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब आते हैं 7Ps में। एक होते हैं दोस्तों अगर स्पेसिफिक जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 3Cs। 3Cs क्या होते हैं दोस्तों, करेक्टर CHARA, जो तो चाहिए आप किसी भी एक आतंकवादी को या कोई भी क्राइम के उसको लोन नहीं दोगे। ठीक है, करेक्टर कैपेसिटी या जो भी एक विलफुल डिफॉल्टर होगा उसको तो लोन देगा नहीं, कैपेसिटी एंड आपका आ गया कैपिटल, ये थ्री सीज हैं जो कि क्रेडिट की होती हैं या जो आपका फार्म क्रेडिट के लिए आपका यूज़ की जाती है। 3Cs और 3Rs एंड 7Ps। ठीक है, ये सब आपका हो गया इस पूरे क्वेश्चन में, वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट वाली बात। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन 28
क्वेश्चन 20 ये रहता है दोस्तों, द इनकम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव देन द गुड्स इज नॉर्मल लग्जरी सेमी लग्जरी इन्फीरियर। दोस्तों जो अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम नेगेटिव कर दिए नेगेटिव कर देंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है बट आपकी जो गुड्स की डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम इन्फीरियर गुड्स बिकॉज वी प्रेफर द मोर वैल्यूएबल गुड्स रेदर देन द योर इन्फीरियर गुड्स। ठीक है दोस्तों, ये सब है आपका, आपको क्या बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी के आपके नेगेटिविटी होने से। और एक क्वेश्चन, एक जो फैक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसको शॉर्ट फॉर्म देता हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो क्वेश्चन 28 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन 29 की तरफ प्रोसीड करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। दोस्तों इस मार्केट स्ट्रक्चर से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होगा, प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, परफेक्ट मोबिलिटी भी होगा, फ्यू बायर्स नहीं होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स आल्सो, परफेक्ट नॉलेज होगी, परफेक्ट मोबिलिटी होगी, ये सब होगा आपके किसमें, परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में। ठीक है, ये क्वेश्चन 29 और ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मीन्स आपका जो है फीचर नहीं है आपका कंपिटिटिव मार्केट परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और दोस्तों एक होता है प्योर कंपटीशन, उसमें क्या होता है आपको जनरली आपकी जो मोबिलिटी होती है वो नहीं होती और एक प्योर आपके नॉलेज नहीं होती है, तब जाके आपका प्योर कंपटीशन बनता है। ठीक है, ये प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन 30 का है, सेटरस पेरिबस मीन्स दैट अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, नो अदर वेरिएबल्स अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नो अदर मॉडल्स कैन एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, द मॉडल इज लॉजिकल। दोस्तों इसका सेटरस पेरिबस का मतलब होता है कि एक फैक्टर चेंज होगा अदर फैक्टर्स जो हैं जो कि अंडर स्टडी होंगे, जो एक फैक्टर चेंज होगा जो कि अंडर स्टडी होगा और अदर फैक्टर होंगे वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर द सेटरस पेरिबस। सो क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ेंगे अब दोस्तों। क्वेश्चन 31 वेरी वेरी लाइक इसेंशियल और क्वेश्चन आना ही आना है, नेफेड कब बना था। नेफेड दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 मीन्स गांधी जयंती के आपके उस पर आपका जो है नेफेड बना था। और नेफेड की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चरल नेशनल का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने देखा जाए इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन, इंडिया इज ए लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, वो दैट इज योर पॉलिटी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन, नेफेड इज द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों अपेक्स जो है बॉडी है जो कोऑपरेटिव की है, जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की है इंडिया में, वो है नेफेड। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1958 को इसका जन्म हुआ और क्या बना, ये 2 अक्टूबर 1958 को एक्शन में आई। ठीक है, फिर दोस्तों क्वेश्चन 32 मीन्स और तो कुछ तो है ही नहीं इसमें एक्सप्लेन करने को, तो दोस्तों ने क्वेश्चन 32 है द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आपको जनक का पता होना चाहिए कौन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी जो फर्स्ट जो कोऑपरेटिव एक्ट है ये आपका जो पास हुआ, ये आपका जो क्वेश्चन 32 है ये आपका है दोस्तों, आपका 1904 में आपका फर्स्ट कोऑपरेटिव एक्ट आया था, सेकंड है उसके बाद 1912 में आया था। बाकी एक्ट निकोलसन को फादर ऑफ द कोऑपरेटिव बोलते हैं। आपका जो मॉडल्स हैं आपका बोलते हैं रेफ्लेशन मॉडल पे, जो इंडियन में जो सोसाइटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो रेफ्लेशन मॉडल पे आई थी। बाकी मैंने बोल दिया कि निकोलसन को आपका एफ निकोलसन समथिंग है उनको बोलते हैं आपका फादर ऑफ कोऑपरेटिव। एंड कोऑपरेटिव में क्या होता है वो आपका वन शेयर वन वोट के बात है, मतलब आप वोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप वोट नहीं करोगे और आपके हिसाब से कि जितना आप शेयर कर रहे हो उस हिसाब से आपको वोटिंग परसेंटेज नहीं देते, आपको बोलते हैं आप मेंबर हो आपको वोट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका कोऑपरेटिव का। और फिर आता है क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल जोन ऑफ द प्रोडक्शन।
फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फर्स्ट एंड थर्ड जोन। दोस्तों ये प्रोडक्शन और फैक्टर का होता है, ठीक है। ये फर्स्ट एंड द थर्ड जोन होते हैं, ये जो है इरेशनल जोन होते हैं, क्योंकि थर्ड जोन में तो आपको लॉस होने लग जाता है और फर्स्ट जोन में इतना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर नहीं कर पाते, इवन तो आपके पास कैपेबिलिटी होती है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जोन इज द यूर इरेशनल जोन ऑफ प्रोडक्शन, एंड योर जो सेकेंड जोन होते हैं दोस्तों, सेकेंड जोन होता है ये है आपका रैशनल, और बाकी इरेशनल की बात करें वो है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर होता है कि टीपी मैक्सिमम कब होगा, वो कब होगा दोस्तों, जब होगा एमपी आपका जीरो हो जाएगा, जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो आपका जीरो हो जाएगा, तब आपका टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। और एपी मैक्सिमम कहाँ होगा, जब वो एपी इक्वल टू एमपी, यानी कि एपी और एमपी करो एक दूसरे पर वो काट रहे होंगे, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तब जाके आपका एपी मैक्सिमम होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होता है जो आपका एमपी होता है वो मैक्सिमम होता है। ये सब आते हैं जो कर्व से आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब जो है इस क्वेश्चन का जो सार है। इसके अलावा जो कंसेप्ट है, यानी कि वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट वाली बात मैंने आपको फिर से रिपीट कर दी, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन 34 क्या बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो व्हेन। दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का जीरो कब होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला है वो है एमपी अपॉन एपी, यानी कि अगर एपी जीरो होगा तो यानी कि एमपी ये तो इन्फिनिटी, वन अपॉन समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, यानी और यानी कि जो न्यूमिनेटर है उसको जीरो होना पड़ेगा, यानी कि एमपी इक्वल्स टू जीरो देन योर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू जीरो। सो योर राइट आंसर इज गोइंग टू बी एमपी पी इज जीरो देन योर इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो जीरो। क्वेश्चन 34 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। देन दोस्तों क्वेश्चन 35 है कि दोस्तों कि द पॉइंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज। दोस्तों लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर कैसे कंबाइन करते हैं, जब आपका एमआरटी मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है आपका जो इक्वल होता है जो इनवर्स प्राइस रेशियो ऑफ यूअर इनपुट्स के, क्योंकि ये दोस्तों प्राइस रेशियो की बात करें, और दोस्तों यहाँ पे वो भी है कई जगह प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं। दोस्तों प्रोडक्ट की बात नहीं, यहाँ पे फैक्टर का जो पार्ट होता है जो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो FF यानी कि फैक्टर का पार्ट होता है, इसलिए इसको इनपुट्स के जो प्राइस रेशियो है वो चेक किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 35, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ लिक्विडेटिंग। यानी मैंने आपको बताया था दोस्तों पीछे सेल्फ लिक्विडेटिंग की बात की है, तो इसका मतलब है आपका शॉर्ट टर्म लोन की बात की है। शॉर्ट टर्म लोन कौन से दोस्तों, जो क्रॉप लोन्स होते हैं, यानी कि जो सिक्स मंथ के नियर अबाउट और लेस देन वन ईयर के पीरियड में आपके भरे जाते हैं, यानी कि क्रॉप लोन, ठीक है। क्रॉप लोन इज योर शॉर्ट टर्म लोन और योर सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। सो ऑप्शन क्वेश्चन 36 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड अगर बात करें आपके लॉन्ग टर्म लोन की दोस्तों, लॉन्ग टर्म लोन दोस्तों आपका ट्रैक्टर्स हैं, जो आपका मशीनरीज हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन में आएगा, या फिर आपको लैंड डेवलपमेंट के जो लोन होते हैं वो भी आपका लॉन्ग टर्म लोन के लिए आते हैं, ठीक है। टर्म लोन होते हैं दोस्तों आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं, इनको जो अगर कंबाइन कर लो तो आपको जो टर्म लोन आते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये आपका होता है टर्म लोन, और बाकी क्रॉप लोन होते हैं दोस्तों जो है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 36 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 37 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो। सो यहाँ से आपका हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन 41 है कि आपका म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है मैंगो की, आपके कोंकण रुचि है, रोसिका है, मलिका है, पूसा लालिमा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहीं भी आपके पास आ सकते हैं। रोसिका है पेरू में होते, पेरू में। और दोस्तों ये ओनली म्यूटेंट वैरायटी है जो मैंगो की है, जो वर्ल्ड में बहुत ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने बहुत सुना होगा, आपके अगर बात करूं मैंगो की, सबसे फर्स्ट पूछा जाता है कि कौन सी हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी, वो है अमरपाली, ठीक है दोस्तों, अमरपाली, ठीक है ये है। और ये किससे बनती है, दशहरी नीलम को कंबाइन करो तो आपको अमरपाली देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे हैं जो कि आपको स्पेसिफिक जो आपके क्रोसेस हुए हैं, जो हाइब्रिड्स हुए हैं, जो वहाँ से निकले, कहाँ से, दिल्ली से, मिस IRI से, तो वो तो फेमस होंगे। तो एक है पूसा अरुणिमा है, वो है आपका अमरपाली, आपको जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए होते हैं, और सेंसेशन, ये दोनों को कंबाइन सेंसेशन को और अमरपाली सेंसेशन को कंबाइन कर दो तो आपके पास पूसा अरुणिमा होती है। एक आती है आपकी पूसा लालिमा में क्या किया दोस्तों, दशहरी को सेंसेशन के साथ, एक में अमरपाली सेंसेशन के साथ आपका अरुणिमा आ गया, और दशहरी को सेंसेशन के साथ कंबाइन किया तो आपका लालिमा आ गया। सो और अगर म्यूटेंट वैरायटी पूछे तो ओनली वैरायटी है दोस्तों वो है रोजिका, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देन दोस्तों आता है आपका क्वेश्चन 38,
38 है दोस्तों, सहरन प्रभात प्रभात इज अ वैरायटी ऑफ, नो बताए सहरन प्रभात किसकी वैरायटी दोस्तों, दोस्तों मैंगो एप्पल पीच वॉलनट। अगर आप सोचो यार मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जिसका नाम सुना होगा वही लगा दोगे, मान चलो कि अब यार मैंगो एप्पल ठीक है मैं एप्पल लगा देता हूँ, बट दोस्तों ये गलत होगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिए, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि ये पीच जो वैरायटी है, पीच की वैरायटी है आपकी सहरन प्रभात। इसके अलावा अगर पीच की वैरायटी क्योंकि स्पेसिफिक है दोस्तों तो शान ए पंजाब, PUN लिख देता हूँ ठीक है, शान ए पंजाब है, फ्लोरिडा रेड सन है ठीक है, ये सब है, और एक है खुरमाऊ खुरमानी, खुरमानी जो वैरायटी है वो सब पीच की वैरायटी है, और वॉलनट की वैरायटी है स्पेसिफिक अगर आगे होंगी थोड़े, क्योंकि दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन है तो मतलब टिपिकल फ्रूट्स है तो उससे दोस्तों क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं, क्योंकि आपने कम पढ़े होगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो वॉलनट होते हैं, वॉलनट होते हैं इस वॉलनट के आपको बता देता हूँ, एक आई आर आई से बहुत फेमस वैरायटी भी जो है वो है पूसा खोर KHO है, और इसके अलावा अगर बात करूँ विल्सन है, लेक इंग्लिश है, यूरेका, ये दोस्तों ये यूरेका क्योंकि बहुत एक टिपिकल वर्ड है तो याद रखिए यूरेका इज ए वैरायटी ऑफ द वॉलनट ठीक है दोस्तों। एक है चक्रती सोना समथिंग है ठीक है, सो यूरेका एंड पूसा खोर इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखें वॉलनट की, बाकी पीच की भी है, सहारन प्रभात है, प्रभात है, शान ए पंजाब है, फ्लोरिडा रेड सन ठीक है, और खुरमानी वैरायटी है जो एक पीच की वैरायटी है ठीक है। और इसे क्वेश्चन 39 की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन 39 क्या बोल रहे हैं कि जो वॉलनट सॉरी स्ट्रॉबेरी इज प्रोपोगेटेड थ्रू, जो स्ट्रॉबेरी होती है वो किससे प्रोपोगेटेड होती है, सकर्स रनर स्लिप बिट ऑफ से, दोस्तों जो आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रॉबेरी है वो आपकी रनर से होती है, और इसी के साथ आपको इसमें जो स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है वो है आपको स्लिप्स से है, स्लिप से आपको होता है आपका पाइनएप्पल, ध्यान रखिए पाइनएप्पल इज प्रोपेगेटेड बाई स्लिप्स, और जो रनर्स होते हैं वो स्ट्रॉबेरी इज प्रोपेगेटेड बाई देर रनर्स ठीक है। सो क्वेश्चन 39 ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डेट इज रनर स्ट्रॉबेरी ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ, और पूसा पीताम्बर, पूसा पीताम्बर पीली पीताम्बर में जिसका पीला हो जिसका अंबर ठीक है, डेट इज डिफरेंट, पूसा पीताम्बर वैरायटी ऑफ मैंगो इज अ फॉर्म एक्रॉस बिटवीन, किससे बनाए दोस्तों, दशहरी नीलम से बनते हैं, आपके पास क्या बनते हैं, मैंने आपको बोला था कि अमरपाली बनेगा तो क्वेश्चन, ये तो आप खेलते हैं ऑप्शन के साथ, जब आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन पता हो ना तो आप ऑप्शन के साथ अच्छे से खेल पाओगे ठीक है। और फिर आते हैं आपका अल्फेंजो का सॉरी आपका आते यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, रत्ना और अल्फेंजो जैसा कुछ क्रॉस नहीं था, और इसके बाद दोस्तों एक रहते नीलम एंड अल्फेंजो लिखा हुआ है, सो ये बनते हैं आपका रत्ना का ठीक है, रत्ना है दशहरी और नीलम से आपका अमरपाली आया था, और पीताम्बर होगा तो पीताम्बर दोस्तों इनमें से किसी एक को होना है, तो पीताम्बर में पीला पीला कलर तो चाहिए यानी कि थोड़ा लाल लाल तो डाल दो, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, अमरपाली को आप लाल सुंदरी, लाल सुंदरी से अगर आप क्रॉस करा दो पूसा पीताम्बर है, और मैंने पीछे बताया था कि अमरपाली को अगर सेंसेशन से क्रॉस कराओगे तो आपका पूसा अरिमा निकलेगा, और दशहरी को अगर आप किससे अमरपाली से सॉरी दशहरी को सेंसेशन से क्रॉस कराओगे तो आपके पास पूसा लालिमा निकलेगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ, दोस्तों आप सेशन लंबा होगा छोटा होगा इसके बारे में ना ज़्यादा सोचते हुए कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर बिल्डअप से ही आपका रैंक मिलेगा, और जो क्वेश्चन है ये आपको सब कम्पिटिटिव एग्जाम में ICER होगा आपका, AA होगा, कोई भी एग्जाम हो, NSCL हो, NABARD है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वी नीड योर फीडबैक, प्लीज कमेंट योर क्या फीडबैक ऑन माई कमेंट, कैसे अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बट वी नीड योर फीडबैक, थैंक यू वेरी मच।